हेलो एवरीवन, आज है 24 जून 2022 और शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। मेरा नाम है निरंकार, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू रन एंटायरली ऑन हाइड्रो एंड सोलर पावर फ्रॉम जून 2022। तो कौन सा हवाई अड्डा जून 2022 में पूरी तरह जल और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपको दिल्ली में मिलेगा। ये बन गया दोस्तों एंटायरली किस पे चलने वाला, हाइड्रो और सोलर पावर पर चलने वाला। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि 2015 में जो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि आपको केरला में देखने को मिलेगा, ये भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट था जो कि सोलली पूरी तरीके से सोलर एनर्जी पे चलता था। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में अभी पूछा भी गया था कि बताइए कौन सा एयरपोर्ट जो था सोलर एनर्जी पे चलता था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं एयरपोर्ट से रिलेटेड। हाल ही में कतर का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको नाम करा गया दोस्तों वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट फॉर 2022। तो याद रखिए 2022 के लिए ये जो है वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट माना गया है कतर का। इसके अलावा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपको बेंगलोर में देखने को मिलेगा, इसने जीता है बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया टाइटल 2022। ठीक है, याद रखिए स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में ये अवार्ड दिए जाते हैं, जिसका नाम है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स। इसमें फिर से बोल देता हूँ, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया की बात है, और साउथ एशिया टाइटल, ये दोनों इसको मिले हैं। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपको मुंबई में देखने को मिलेगा, इसने लॉन्च करा है एक वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन, जिसको BAWT शॉर्ट में कहा जाता है, एंड सोलर PV हाइब्रिड सोलर मिल को इसने लॉन्च करा है। विद दिस इट विल बिकम फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू लॉन्च वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट। तो इसलिए ये भारत का एक पहला एक तरीके से एयरपोर्ट है जिसने ये हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट लॉन्च करा है। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसने डिसाइड करा है कि ये जो है रिप्लेस करेंगे सारे के सारे व्हीकल्स को किसके साथ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ, ऑन एयर साइड ऑपरेशन टू कट ग्रीन हाउस गैस एमिशन। आपको पता है ना एयरपोर्ट पे बहुत सारी जो व्हीकल्स इस्तेमाल होती है सामान लोड करने के लिए, वो ये इन्होंने बोला कि वो सारी की सारी व्हीकल्स वगैरह को हम इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज डेवलप्ड एन इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम, जिसका नाम है सूर्या नूतन। तो किस कंपनी ने एक इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम सूर्य नूतन विकसित करा है? तो इंडोर, वैसे तो देखिए जो जितने भी सोलर वाले सिस्टम होते हैं वो आउटडोर वाले होते हैं, क्योंकि आपको धूप में रखना पड़ता है, लेकिन ये इंडोर डेवलप करा है। तो दोस्तों इसको डेवलप करा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। ठीक है, आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज डेवलप्ड इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम, जिसका नाम रखा है इन्होंने सूर्य नूतन। ये कलेक्ट करता है एनर्जी फ्रॉम द सन एंड कन्वर्ट करता है सन की एनर्जी को इनटू हीट थ्रू स्पेशली डिजाइंड हीटिंग एलिमेंट के जरिए। द प्रोडक्ट इज रिचार्जेबल है ये, सूटेबल फॉर 4 पर्सन, तो 4 पर्सन के लिए काफी सूटेबल है। पेट्रोलियम नेचुरल गैस मिनिस्टर जो कि हैं, आपको पता है हरदीप सिंह पुरी, फिर से बोल देता हूँ पेट्रोलियम नेचुरल गैस मिनिस्टर कौन है, हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने ऑब्जर्व करा है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सूर्य नूतन ऑन 22 जून 2022। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है एक इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड ऑयल गैस एक्सप्लोरर और प्रोड्यूसर है। इट इज अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, और ये ऑब्वियसली इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करी जाए तो इसके चेयरमैन जो है श्रीकांत माधव वैद्य हैं। हेडक्वार्टर्स आपको इसके नई दिल्ली में मिलेंगे। इसकी स्थापना 30 जून 1959 में करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी यूनियन कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी हैज इनॉग्रेटेड ज्योतिर्गम्य अ फेस्टिवल शोकेसिंग द टैलेंट ऑफ अनसंग परफॉर्मर्स। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री जो कि यहाँ किशन जी रेड्डी ने किस शहर में ज्योतिर्गमय का उद्घाटन किया है? ये एक उत्सव है जो कि गुमनाम कलाकारों की प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। तो ये दोस्तों ये इन्होंने लॉन्च करा था नई दिल्ली में। ठीक है, आप देख सकते हैं यूनियन कल्चर मिनिस्टर जो कि जी किशन रेड्डी हैं, इन्होंने 21 जून 2022 को इनोग्रेट करा था ज्योतिर्गमय अ फेस्टिवल शोकेसिंग द टैलेंट ऑफ अनसंग परफॉर्मर इन न्यू दिल्ली। ठीक है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनोग्रेट करा था सिस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी, कहाँ पर दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च करा था। याद रखिए सिस्मोलॉजी ऑब्जर्वेटरी लॉन्च करी गई थी कहाँ, जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल और पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन जो कि हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने एक बुक रिलीज करी थी और इसका ई वर्जन भी रिलीज करा था। किस चीज के ऊपर,
ऑन 8 ईयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पेंशन रिफॉर्म 2014 से लेकर 22 तक में, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 7 जून 2022 को लॉन्च करा था एक सिंगल नोडल एजेंसी, जिसका सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड को लॉन्च करा गया था। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने 5 जून 2022 को इनॉग्रेट करा था नेशनल फूड लेबोरेटरी ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, कहां पर? बिहार के रक्सौल में। अगला क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल ओलंपिक डे, तो किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 23 जून को, आप याद रखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। इसको ऑब्जर्व करा जाता है ताकि कमेमोरेट करा जा सके फंडिंग ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ऑन 23 जून 1894 बाय बैरन पेरी दी कोब्रिटन। तो दोस्तों इस दिन फंडिंग करी गई थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी की, किसके द्वारा? इनका नाम देख लीजिए, बैरन पेरी दी कोब्रिटन, अगर मैं अच्छे से नाम नहीं पढ़ रहा हूँ सॉरी। और जो इस बार 2022 की जो थीम थी इंटरनेशनल ओलंपिक डे की, वो ये है, Together for a peaceful world, ठीक है। The day is also known as World Olympic Day, first ever Olympic, याद रखिए जो सबसे पहले Olympic celebrate करे गए थे, first ever Olympic day जो है celebrate करा गया था 3 जून 1948 को। कुछ additional information और देख लीजिए, World Rainforest Day जो है annually observe करा जाता है 22 जून को, और जो theme थी 2022 की World Rainforest Day की वो थी The Time Is Now, और हर साल 21 जून को World हाइड्रोग्राफी डे सेलिब्रेट किया जाता है, और जो थीम थी 2022 की वो थी हाइड्रोग्राफी कंट्रीब्यूटिंग टू द यूनाइटेड नेशन ओशन डिकेड। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज कंडक्टेड अ फर्स्ट सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च यूजिंग डोमेस्टिकली डेवलप्ड रॉकेट नूरी ऑन जून 21, 2022। तो 21 जून 2022 को किस देश ने घरेलू रूप से विकसित रॉकेट जिसका नाम है नूरी, इसका उपयोग करके अपना पहला सफल उपग्रह प्रक्षेपण करा है? तो आपको बताना, ये जो नूरी रॉकेट है इसका इस्तेमाल करके किसने सैटेलाइट लॉन्च करा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, साउथ कोरिया का ये नूरी, याद रखिए वो है क्या कहते हैं लॉन्च व्हीकल, आप देख सकते हैं साउथ कोरिया ने कंडक्ट करा है फर्स्ट सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च यूजिंग डोमेस्टिकली डेवलप्ड रॉकेट जिसका नाम है नूरी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। साउथ कोरिया की बात करी जाए तो साउथ कोरिया दोस्तों आपको पता है ईस्ट एशियन नेशन है, ठीक है, ऑन द साउदर्न हाफ ऑफ कोरियन पेनिनसुला, और ये कोरियन पेनिनसुला आपको पता है जिसमें नॉर्थ कोरिया भी आता है साउथ कोरिया भी आता है, और ये साउथ कोरिया जो है साउथ में पड़ता है। ये शेयर करता है वन ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट हेवीली मिलिटराइज्ड बॉर्डर विद नॉर्थ कोरिया। ऑब्वियसली आपको पता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन रहती है, और इसी वजह से इनका जो बॉर्डर है वो काफी ज्यादा मिलिटराइज्ड है। साउथ कोरिया की कैपिटल की बात करी जाए तो कैपिटल इनकी सियोल, यहाँ के प्रेसिडेंट अभी हैं यून सुक योल, ठीक है। करेंसी यहाँ की है साउथ कोरियन वोन, और प्राइम मिनिस्टर हैं हान डक सू, तो ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, विच रेगुलेटरी बॉडी हैज सेट अप एन एडवाइजरी कमिटी ऑन हाइब्रिड सिक्योरिटीज इन जून 2022, तो जून 2022 में किस नियामक संस्था ने हाइब्रिड प्रतिभूतियों पर एक सलाहकार समिति का गठन करा है? ऑब्वियसली इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने करा है। देख सकते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सेटअप करी है एक एडवाइजरी कमिटी ऑन हाइब्रिड सिक्योरिटीज के ऊपर। जो कमिटी है ये एडवाइज करेगी सेबी को ऑन उन इश्यूज पे जो कि रिलेटेड है डेवलपमेंट और रेगुलेशन को लेकर, और डेवलपमेंट रेगुलेशन किस चीज का? प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटीज इन द कंट्री, ठीक है दोस्तों। 20 मेंबर कमिटी जो है विल बी चेयर्ड बाय केवी कामत, और याद रखिए जो कमिटी बनाई गई है इसको केवी कामत चेयर करेंगे, और चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और केवी कामत जो क्या है ये चेयरपर्सन है किसके? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के। अगर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करी जाए तो इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में करी गई थी, तो याद रखिए ये ज्यादा पुरानी बॉडी नहीं है। हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई में देखने को मिलेंगे आपको। चेयरपर्सन अभी है मधाबी पूरी बच, ठीक है, तो ये अभी चेयरपर्सन है मधाबी पूरी बच। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश वॉज फाउंड, तो विश्व की सबसे मीठी बड़ी मीठी पानी की मछली किस देश में पाई गई है? तो फिर से बोलता हूँ, विश्व की सबसे बड़ी मीठी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कंबोडिया में दोस्तों सबसे बड़ी जो है फ्रेश वाटर फिश देखने को मिली है, ये देख सकते हैं इसके पिक्चर, तो देख सकते हैं 300 किलो की स्टिंग रे जो फिश है इसको कॉट करा गया कहाँ पे? मेकोंग रिवर, आपको पता है कंबोडिया वगैरह में बहती है, और इसके ऊपर भी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था मेकोंग रिवर के ऊपर यूपीएससी में, ठीक है। और ये बिगेस्ट फ्रेश वाटर फिश है जो कि डॉक्यूमेंट करी गई है, आप देख सकते हैं इसका लंबाई कितनी है, 3.98 मीटर लंबी है, और
2.2 मीटर चौड़ी है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कंबोडिया की बात करी जाए तो कंबोडिया आपको पता है साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, हूज लैंडस्केप स्पेंस ओवर लाइंग प्लेन्स मेकोंग डेल्टा माउंटेन्स एंड हाफ गल्फ ऑफ थाईलैंड कोस्ट लाइन। ऑब्वियसली गल्फ ऑफ थाईलैंड में इसकी कोस्ट लाइन वगैरह भी शेयर होती है और यहीं से आपको पता है मेकोंग डेल्टा वगैरह भी बनता है। फ्नोम पेंथ, याद रखिए फ्नोम पेंथ, पेंथ बोल रहा हूँ सॉरी, फ्नोम पेंथ जो है इट्स कैपिटल इज होम टू आर्ट डेको सेंट्रल मार्केट। तो कंबोडिया की जो ये जो कैपिटल है फ्नोम पेंथ, ये होम है किस चीज का, आर्ट डेको सेंट्रल मार्केट का, गिल्ट्रिंग रॉयल पैलेस का और नेशनल म्यूजियम हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल एग्जिबिट्स का। ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे फ्नोम पेन। इसके अलावा इन द कंट्रीज नॉर्थ वेस्ट आर रूइंस ऑफ अंकोर वॉट, अ मैसिव स्टोन टेंपल कॉम्प्लेक्स बिल्ट ड्यूरिंग द खेमर एम्पायर। तो आपको दोस्तों इस कंट्री के नॉर्थ वेस्ट में अंकोर वॉट नाम का टेम्पल देखने को मिलेगा और ये टेम्पल जो है दोस्तों बिल्ट करा गया था खेमर एम्पायर के द्वारा। तो अंकोर जो वॉट टेम्पल है ये बहुत ज्यादा फेमस है, ये एक हिंदू टेम्पल है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। कंबोडिया की कैपिटल मैं बता चुका हूँ फ्नोम पेन है, तो याद रखिए फ्नोम पेन कैपिटल है कंबोडिया की। इसके अलावा करेंसी यहाँ की है कंबोडियन रियल, ऑफिशियल लैंग्वेज है खमेर और प्राइम मिनिस्टर है हुन सेन। अगला क्वेश्चन है इन विच कंट्री इंडियन ड्रोन स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम है गरुड़ा एयर स्पेस अनाउंस्ड टू सेटअप इट्स फर्स्ट एरोस्पेस प्लांट। तो भारतीय ड्रोन स्टार्टअप कंपनी गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने की घोषणा करी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मलेशिया में इन्होंने बोला कि हम लोग एस्टैब्लिश करेंगे। आप देख सकते हैं चेन्नई बेस्ड ड्रोन स्टार्टअप जिसका नाम है गरुड़ा एरोस्पेस, इसने पार्टनर करा है मलेशियन ड्रोन सॉल्यूशन कंपनी के साथ और इस कंपनी का नाम है हिलसे ड्रोन्स और इन्होंने बोला कि ये जो है अपना पहला एरोस्पेस प्लांट सेटअप करेंगे मलेशिया में, ठीक है, और ये सेटअप करा जाएगा 115 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ। मलेशिया की बात करी जाए तो आपको पता है मलेशिया जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जो कि ऑक्यूपाई करती है माल्या पेनिनसुला, ठीक है, एंड द आइलैंड ऑफ बोर्नियो, इन दोनों से मिलकर बनी होती है। इट इज नोन फॉर इट्स बीचेस, ऑब्वियसली मलेशिया जो अपने बीचेस, रेन फॉरेस्ट और मिक्स मलया चाइनीज इंडियन और यूरोपियन कल्चर इन्फ्लुएंस के ज्यादा बहुत ज्यादा फेमस है। आपको मलेशिया में देखिए ना मलया माले चाइनीज और इंडियन और यूरोपियन कल्चर देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे कल्चर यहाँ पे हैं। मलेशिया की राजधानी बात करी जाए तो मलेशिया की राजधानी कुआला लामपुर है, करेंसी यहाँ की मलेशियन रिंगेट है और प्राइम मिनिस्टर हैं इस्माइल सबरी याकूब, याद रखिए इस्माइल सबरी याकूब, ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की माले। आप मलेशिया की लोकेशन देख लीजिए, ये है मलेशिया, ठीक है, और ये है जो इंडोनेशिया, क्या है इंडोनेशिया, बहुत लंबा फैला हुआ है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये है फिलीपींस, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कंबोडिया, कंबोडिया का पूरा पूरा मतलब बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, गल्फ ऑफ थाईलैंड के साथ, अभी मैंने कंबोडिया के बारे में पीछे से बात करी थी। अगला क्वेश्चन है अंडर विच प्रोजेक्ट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज ऑर्गेनाइज्ड अ वर्कशॉप ऑन जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस फॉर इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस परियोजना के तहत निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए लैंगिक उत्तरदायित्व दाई शासन पर एक कार्यशाला का आयोजन करा। तो आपको बताना है कौन सी परियोजना के तहत, तो इस परियोजना का नाम है शी इज अ चेंज मेकर, इसी के तहत इन्होंने ऑर्गेनाइज करा था जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, ठीक है। आप देख सकते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ऑर्गेनाइज्ड अ वर्कशॉप ऑन जेंडर रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस फॉर इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव अंडर द शी इज अ चेंज मेकर प्रोजेक्ट, ठीक है, और ये जो है 3 दिन की वर्कशॉप चलाई जा रही है कहाँ पे, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, और इसमें जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, इन्होंने चीफ गेस्ट के तौर पर एक तरीके से पार्टिसिपेट करा था। अगला क्वेश्चन है द बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ डैश हैव अप्रूव्ड एडिशनल फाइनेंसिंग ऑफ $250 million फॉर आउटकम्स फॉर एक्सेलरेटेड लर्निंग, जिसको शॉर्ट में गोल कहा जाता है, ठीक है। तो डैश के कार्यकारी निदेशक मंडल ने त्वरित शिक्षा के परिणामों जिसको गोल शॉर्ट में कहा जाता है के लिए 250 मिलियन के अतिरिक्त वित्त पोषण की मंजूरी दी है। तो किसके किसने मंजूरी दी है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक, आप याद रखिए जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वर्ल्ड बैंक के, इन्होंने अप्रूव कर दिया, देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक बोर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया है एडिशनल फाइनेंसिंग ऑफ $250 million फॉर आउटकम्स ऑफ एक्सेलरेटेड लर्निंग। अगला क्वेश्चन है When is United Nations Public Service Day observed annually? तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये भी मनाया जाता है 23 जून को। आप देख सकते हैं United Nations Public Service Day जो है 23 जून को हर साल
मनाया जाता है। 20 दिसंबर 2002 को यूनाइटेड जनरल असेंबली ने डिसाइड करा था कि ये ऑब्जर्व करेंगे 23 जून को इस दिन के तौर पर, ठीक है, अंडर द रेजोल्यूशन 57/277। तो ये रेजोल्यूशन पास करा गया था और रेजोल्यूशन पास करने के बाद यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे मनाया गया था। 2022 की जो थीम है वो देख लीजिए, बिल्डिंग बैक बेटर फ्रॉम कोविड-19, ये थीम है। अगला क्वेश्चन है, चाइना सक्सेसफुली लॉन्च डैश न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट फ्रॉम द जी चैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन साउथ वेस्ट चाइना सिचुआन प्रोविंस। तो चीन ने दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत में जी चांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से डैश नए रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च कराया। तो आपको बताना है कितने रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3। आप देख सकते हैं 3 उपग्रहों को इन्होंने लॉन्च कराया। चाइना ने 23 जून को सक्सेसफुली लॉन्च कराया 3 नए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को, कहां से, जीचुआंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, जो कि साउथ वेस्ट चाइना में आपको देखने को मिलेगा, सिचुआन प्रोविंस में, ठीक है। सैटेलाइट वर लॉन्च एज द सेकेंड बैच ऑफ याओगान 35 फैमिली बाय लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट। तो ये रॉकेट का इस्तेमाल करा गया था मार्च 2D कैरियर का और एंटर द प्लांट ऑर्बिट सक्सेसफुली, ठीक है। चाइना की कैपिटल की बात करी जाए तो बीजिंग आपको पता है, करेंसी यहाँ की चाइनीज युआन है और जिसको रेनमिनबी कहा जाता है। प्रेसिडेंट आपको पता है जी जिनपिंग है। नेशनल स्पोर्ट यहाँ का टेबल टेनिस है। अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू जो कि ट्राइबल लीडर है फ्रॉम डैश हैज बीन नेम्ड एज रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको शॉर्ट में एनडीए कहा जाता है, कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो डैश के एक आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव के लिए सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में नामित करा गया। तो आपको बताना है ये जो द्रौपदी मुर्मू है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है। इसका राइट आंसर ओडिशा। तो ओडिशा की हैं ये दोस्तों और ये एक ट्राइबल लीडर हैं और इन्हीं को आपको पता है प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए एक तरीके से अपॉइंट करा गया एनडीए द्वारा, ठीक है, बीजेपी के द्वारा आप कह लीजिए। और वहीं जो अपोजिशन पार्टी है इन्होंने यशवंत सिन्हा को अपॉइंट कराया प्रेसिडेंट कैंडिडेट के तौर पर। ओडिशा की बात की जाए तो ओडिशा में टोटल आपको दोस्तों 30 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे। लोकसभा की सीट यहाँ से 21 हैं, राज्यसभा की सीट 10 हैं। स्टेट एनिमल है सांबर डियर, स्टेट बर्ड है दोस्तों इंडियन रोलर। नेशनल पार्क यहाँ पे कुछ पाए जाते हैं जैसे कि भीतरकनिका नेशनल पार्क यहाँ पे देखने को मिलेगा, सिमलीपाल नेशनल पार्क। कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जैसे कि इंद्रावती डैम जो कि इंद्रावती रिवर पर है, तो याद रखिए ये ओडिशा में है। हीराकुंड डैम जो है महानदी रिवर पर है। रजिस्टर्ड जीआई टैग भी देख लीजिए, कोनार्क स्टोन कार्विंग है, पटचित्रा है, गंजम केवड़ा फ्लावर, ये सारे के सारे यहीं पर देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विथ 3,417 कन्फर्म्ड मंकी पॉक्स केसेस रिपोर्टेड अक्रॉस 58 कंट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिक्लेयर्ड मंकी पॉक्स आउटब्रेक एज पेंडेमिक। तो 58 देशों में मंकी पॉक्स के 3,417 पुष्ट मामलों के साथ निम्नलिखित में से किसने मंकी पॉक्स के प्रकोप को महामारी घोषित कर दिया है। तो किसने घोषित करा है, तो ये घोषित करा ऑप्शन बी वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने, ठीक है। आप देख सकते हैं 3,417 केसेस कंफर्म केसेस होने के बाद जो कि 58 कंट्रीज में देखने को मिले हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने डिक्लेयर कर दिया है मंकी पॉक्स को पेंडेमिक में, ठीक है। मंकी पॉक्स दोस्तों आपको पता है एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि ओरिजिनेट होता है इन रोडेंट्स और प्राइमेट्स एंड ट्रांसमिटेड टू पीपल, ठीक है। सिम्टम्स क्या है मंकी पॉक्स के, फीवर होना, रैश आना, स्वेलन लिम्स नोट्स, ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं। मंकी पॉक्स दोस्तों यूजली जो है सेल्फ लिमिटेड डिजीज है विद सिम्टम्स लास्टिंग फ्रॉम 2 to 4 weeks, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च न्यू पोर्टल जिसका नाम है निर्यात। निर्यात का फुल फॉर्म है नेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। तो आपको बताना है कि जो नया पोर्टल है जिसका नाम है निर्यात, इसको हाल ही में किसने लॉन्च कराया। तो इसको लॉन्च कराया ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी ने लॉन्च कराया। आप पीयूष गोयल से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा क्योंकि ये हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है, तो आप कहीं सोच लो कि पीयूष गोयल ने लॉन्च कराया, नहीं, याद रखिए नरेंद्र मोदी ने लॉन्च कराया 23 जून 2022 को नया पोर्टल जिसका नाम है निर्यात। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। तो इसके जरिए क्या करा जाएगा, नाम से पता चल रहा है कि ये ऐसा पोर्टल है जिसके जरिए इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो रिकॉर्ड है उसका ईयरली एनालिसिस करा जाएगा। निर्यात जो है इसको डेवलप करा गया एज वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर स्टेक होल्डर्स टू गेट ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंडियाज फॉरेन ट्रेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द वुमेन्स हॉकी टीम ऑफ विच कंट्री आउट क्लास यूएसए बाय 4-1 इन सेकेंड लेग मैच टू फिनिश थर्ड
in its debut season at the FIH Pro League in Rotterdam in June 2022. तो जून 2022 में रोटरडम में एक IH Pro League में अपने पहले सीजन में तीसरे स्थान पर रहने के लिए किस देश की महिला हॉकी टीम ने दूसरे चरण मैच में USA को 4-0 से हरा दिया है? तो दोस्तों ये हराया है इंडिया ने, ठीक है, आप देख सकते हैं इंडिया ने हरा दिया, इंडियन वुमेन हॉकी टीम ने हरा दिया है USA को 4-0 से सेकंड लेग मैच में टू फिनिश थर्ड इन इट्स डिबेट सीजन। तो दोस्तों थर्ड इंडिया जो है एक तरीके से कह सकते हो थर्ड पे रहा है, ठीक है, एट द FIH प्रो लीग इन रोटरडम जून 2022। इंडियंस हैड अर्लियर डिफीटेड USA से, USA को ऑलरेडी हम इससे पहले डिफीट कर चुके थे 4-1 से इन द फर्स्ट मैच ऑफ डबल एडर इन जून 2022। ठीक है दोस्तों, अर्जेंटीना आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी वॉन कर चुका है टाइटल, और नीदरलैंड जो है सेकंड पे रहा है, और थर्ड पे अभी मैंने बताया कौन है, इंडिया रहा है। अगला क्वेश्चन है, इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है GSAT-24 फ्रॉम कोराओ इन डैश जून 2022। तो इसरो ने जून 2022 में डैश में कोरू से संचार उपग्रह GSAT-2022 को सफलतापूर्वक लॉन्च कराया। तो आपको बताना ये जो कोरू जगह है ये कहाँ पर है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी फ्रेंच गुआना से, फ्रेंच गुआना आपको पता है फ्रेंच की एक अभी भी कह सकते हो कॉलोनियल स्टेट है। आप देख सकते हैं इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च कराया कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है GSAT-24 कहाँ से, फ्रॉम कोरो फ्रेंच गुआना से 23 जून 2022 को। GSAT-24 दोस्तों बिल्ड करा गया है इसरो के द्वारा फॉर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए दोस्तों, और इसको लॉन्च करा गया फ्रेंच कंपनी जिसका नाम है एरियन स्पेस। तो एक फ्रेंच कंपनी है एरियन स्पेस, इससे लॉन्च कराया गया है दोस्तों, ठीक है, देख लीजिए ये फ्रेंच गुआना, और ये फ्रेंच की एक फ्रांस की कह सकते हैं ओवरसीज टेरिटरी है। फ्रेंच गुआना जो है सूरीनेम से बॉर्डर टच करता है, इसके अलावा यहाँ पे ब्राजील तो है ही है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए गुआना है, ये वेनेजुएला है, कंबोडिया है, देख लीजिए सारी की सारी जो साउथ अमेरिका की ज्यादातर कंट्रीज हैं वो मतलब कोई भी लैंडलॉक नहीं है, बस एक लैंडलॉक्ड है वो यहाँ पे कौन सी है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए ये जो कंट्री लैंडलॉक्ड है, और दो ही कंट्री एक्चुअली लैंडलॉक्ड है, ये और ये, तो आपको बताना ये दोनों कंट्री कौन सी है जो साउथ अमेरिका में लैंडलॉक्ड है। इसको लेकर अभी UPPCS में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि मतलब उसमें 4-5 ऑप्शन दे रखे थे, तो उसमें से इसका ऑप्शन था इस कंट्री का कि ये जो कंट्री है लैंडलॉक्ड है, आपको वही बताना था कि कौन सी कंट्री लैंडलॉक्ड है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।